व्हाट इज अप एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है हमारे पास लेवल विजेट। अगर आपने अब तक हमारी जो वीडियो सीरीज है टीके इंटर के ऊपर, इसको अगर आपने अब तक एक्सेस नहीं किया है तो अभी से जाकर यार इसे आप बुक मार्क कर लीजिए इस वीडियो सीरीज़ को, ताकि आप इसमें से कोई भी जो वीडियो से खोए ना। और मैंने अब तक चार वीडियोज़ जो डाल दिए हैं जिसमें हमने विजेट्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में समझा था पिछली वीडियो के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना पहला जो विजेट है जो कि लेवल विजेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर सभी के सभी टीके इंटर के ट्यूटोरियल्स जो है वो कवर करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ यार, प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप कम लाइक करते हो वीडियोस को, सब्सक्राइब कम करते हो, 90% जो लोग हैं उन्होंने सिर्फ मेरे चैनल को देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप मेरी वीडियोस से फ़ायदा उठा रहे हैं, अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो कि मैं कैसी वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको वीडियो बकवास लगती है तब भी मुझे बताइएगा, आपकी सजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ बहुत ज़्यादा जरूरी बात कि मैंने एक फ्लास्क की मदद से वेबसाइट क्रिएट की है, codewithshivai.com नहीं है अब तक ये, बेसिकली ये वेबसाइट मैंने क्रिएट कर दी है फ्लास्क की मदद से, जैसे आप देख सकते हैं। बट एक्चुअली है क्या कि मुझे इसे होस्ट करने के लिए थोड़े पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसा तभी आएगा अगर आप सपोर्ट करेंगे। तो देखिए आप इस वेबसाइट पे क्या होगा, आपको सभी के सभी जो नोट्स हैं, जो भी मेरे ब्लॉग्स हैं, वो सब आप मुझसे इंटरेक्ट करवाएंगे इस कॉन्टैक्ट टैब के अंदर जाकर। तो अभी ये स्लो चल रहा है नेट, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि यार प्लीज़ आप क्या करिए, जल्दी से जल्दी यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी सपोर्ट दिखाइए, ताकि क्या कि मैं जो है अपनी इस वेबसाइट को क्या कर पाऊँ, होस्ट कर पाऊँ जल्द से जल्द। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मैंने रखा है। तो आपको क्या करना, सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर करते रहना मेरी, अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं अपना पूरा कॉन्टेंट देने की कोशिश करूँगा। उसी के साथ आपको बता दूँ कि आप मेरे गिटहब के ऊपर जाकर रोही मेकर यूजर नेम सर्च कर आप क्या कर सकते हैं, इस जो मैंने जो फ्लास्क का जो प्रोजेक्ट बनाया, मैं जल्दी एक फ्लास्क की भी सीरीज़ बनाने वाला हूँ। तो आप पाइथन जी नाम की एक रेपोजिटरी उसके ऊपर जाकर आप क्या कर लीजिए, इसकी जो फाइल्स हैं उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, सभी के सभी फाइल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और आप भी ऐसी की ऐसी सेम टू सेम वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे फ्लास्क की मदद से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसमें यूज़र जो भी मेरा जैसे यहाँ पे कोड भी शिवाय आ रहा है वगैरह वगैरह, आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली अपना लगाने के लिए इसमें जो config.json फाइल भी उसमें चेंजेस करनी है, और आपका क्या है, सिंपली आपकी जो वेबसाइट है वो बन जाएगी। तो मैं आता हूँ, आपको अच्छा लगा यहाँ पे, देखिए आपको सभी फाइल्स मिल जाएंगी जो मैंने वेबसाइट में किया। तो अब इसे बंद करता हूँ, वापस आप अपनी वीडियो के ऊपर। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे लेवल विजेट के बारे में। तो लेवल विजेट के बारे में बात करेंगे अब हम। ओके गाइस, तो मैं आ चुका अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आपको बताने के लिए कि क्या होता हमारे पास लेवल विजेट। तो पिछले वीडियो सीरीज के अंदर अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हमने देखा कि कैसे हम एक बेसिक GUI ऐप बनाएंगे। उसमें हमने देखा था कि कैसे हम लोग एक विंडो क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम टीके इंटर, इंपोर्ट स्टार करते हैं, मतलब टीके इंटर सब कुछ इंपोर्ट करने के बाद हम टीके क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसे मैं बनाता था रूट। मैं लिखूंगा यहाँ पे टीके रूट, मतलब कि टीके क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दो और इससे हमारी बेसिक विंडो क्रिएट हो जाती है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे करूँ रूट डॉट मेन लूप, मेल ये हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि मेन लूप लगाने से ही हमारी जो GUI विंडो वो स्क्रीन के ऊपर मेंटेन रहेगी। और उसके बाद हम कुछ टाइटल दे सकते हैं, जैसे मैं रूट डॉट टाइटल दे सकता था यहाँ पे, जैसे मैं देता GUI विंडो। और इसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया था कुछ फंक्शंस के बारे में, जैसे कि मीन साइज और मैक्स साइज और ज्योमेट्री फंक्शन के बारे में। मीन साइज और मैक्स साइज का इस्तेमाल कम ही करता हूँ, इसलिए रूट डॉट ज्योमेट्री दे देंगे हम इसमें। जैसे मैं यहाँ पे 500x500 दूंगा, यानी कि विथ और हाइट मेरी जो है वो 500x500 रहेगी। और इस तरह से हम इससे करते थे विथ और हाइट एक्स, इस फॉर्मेट में हम देते थे। जब मैं इसे सेव करूँगा, तो मैं अगर इसे रन करूँगा सेव करने के बाद, तो हमारे जो एक GUI विंडो है वो सिंपल से हमें डिस्प्ले होगी। हमने ये पिछले ट्यूटोरियल्स में भी देखा था कि कैसे हमारे पास एक बेसिक GUI विंडो जो वो क्रिएट हो जाएगी, जो कि क्रिएट हो चुकी थी। हाँ, आप देख सकते हैं। तो अब क्या करना हमें, अब समझना हमें विजेट्स क्या है। तो विजेट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने उस वीडियो को देखा है, कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि विजेट्स एक तरह के मोती हैं जिन्हें आप कपड़े के ऊपर लगाएंगे। अब इसमें कपड़ा क्या है, कपड़ा बेसिकली क्या है, यहाँ पे कपड़ा हमारे पास जो एक GUI विंडो, बेसिक GUI विंडो है कपड़ा, उसके ऊपर हम सजाने के लिए अलग अलग ऑप्शंस लगाएंगे ताकि यूज़र उनसे इंटरेक्ट कर पाए, तो उसे हम विजेट्स कहते हैं, ठीक है। तो विजेट्स बेसिकली टीके इंटर के अंदर क्लासेस ही होती हैं। तो मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ लेवल विजेट की बात कर लेते हैं, लेवल विजेट एक ऐसा विजेट है जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब लेवल विजेट के साथ यूज़र इंटरेक्ट नहीं करेगा, मतलब कि आप समझ सकते हैं, जैसे ये एक विजेट है, ये एक लेवल विजेट है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक भी करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ कुछ शो कर रहा है हमें, ठीक है। तो ये एक लेवल विजेट, अब कैसे हम लेवल विजेट
जो वो लोग आएंगे, सिंपली हमारे पास एक लेवल विजिट क्लास होती है, तो मैं इसको एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल एल नाम का, या फिर माई अंडरस्कोर लेवल नाम के एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो एल ए बी ई एल लेवल जो कि क्लास है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देना पड़ेगा कि हम किस विंडो के ऊपर लगाना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली हम अपने रूट विंडो के ऊपर लगाना चाहेंगे। उसके बाद हम देंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं दूंगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दूंगा, और उसी के साथ साथ मैं बस पहला मैं यही ऑप्शंस दूंगा। और अगर मैं इसे अब सेव करके, यहाँ से सेव कर कर अगर मैं इसे रन करूँ, तो आप देखेंगे कि होगा क्या, कुछ भी नहीं आएगा। ये लेवल विजेट तो हमारा चला ही नहीं, तो बेसिकली लेवल विजेट इसलिए नहीं चला आपका, तक क्या है यहाँ पे कि किंटर के आपको कुछ भी अगर करना है, तो किंटर के अंदर आपको कुछ भी, कोई भी आप विजेट का इस्तेमाल करते हैं, वो तब तक नहीं चलेगा जब तक आप उसे पैक नहीं करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि पैक करने के लिए हम तीन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, एक हमारे पास होता है प्लेस, एक होता है हमारे पास ग्रिड, और एक होता है पैक। अब हम पैक फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा माई अंडरस्कोर लेवल डॉट पैक, और इसे पैक करूंगा मैं। जैसे मैं इसे पैक करूंगा, मैं इसे सेव करके फिर से अगर मैं रन करूंगा इसे, तो आप देखेंगे कि जो हमारा लेवल है वो हमारी जीयूआई विंडो के ऊपर आ चुका होगा बिल्कुल सही, जैसे कि आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो ये हमने पहला विजेट देखा कि कैसे हम लोग एक विजेट लगा सकते हैं। ये बेसिकली लेवल है हमारा, एक लेवल विजेट है। लेवल विजेट के साथ हम इमेजेस भी अपनी जियो विंडो के ऊपर लगा सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आपको मैं बिल्कुल ही स्लो समझा रहा हूँ, स्लो स्पीड में सीरीज को बना रहा हूँ। उसी के साथ साथ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने ये किया। अब इसके साथ क्या होता है, अगर आप इसमें एक ऑप्शन आता है हमारे पास बीजी का बैकग्राउंड कलर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बीजी दे दूँ, यहाँ पे मैं मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक कर दूँ, और एफ जी तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक वाइट रहेगा ही। और ये देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे सेव करूँगा, और मैं इसे फिर से अगर रन करूँगा यहाँ पे, तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है, और फोरग्राउंड कलर इसका वाइट हो चुका है। मतलब बी जी का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर फोरग्राउंड एफ जी का मतलब होता है वाइट फोरग्राउंड कलर, यानी कि टेक्स्ट का कलर जो रहेगा। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे दे देते, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे दे देता पैड एक्स इक्वल टू, मैं दे देता 10, तो आप देखते कि हॉरिजॉन्टली यानी कि एक्स एक्सिस में ये थोड़ा सा क्या जाता, फैल जाता। आप देखेंगे मैं सेव करूँगा, जैसे ही सेव करने के बाद अगर मैं अगेन इसे रन करूँगा, तो ये एक्स एक्सिस में थोड़ा सा फैल चुका है, या किसी आप पहले से इसका फ़र्क देख सकते हैं। अगर मैं फिर से यहाँ पे पैड एक्स 10 की जगह अगर मैं 50 कर देता, 50 पैड एक्स दे देता, तो आप देखेंगे मैं सेव करूँगा, फिर से मैं इसे रन करूँगा, तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको, ये देखो कितना फैल चुका है ये। तो मतलब पैड एक्स से क्या होगा, हमारी जो पिछली बैकग्राउंड की पैडिंग है वो फैलेगी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली। अगर मैं यहाँ पे पैड वाई भी यहाँ पे दे दूँ, मैं पैड वाई भी अगर मैं यहाँ पे दे दूँ आपको, इसको दे दूँ आपको नहीं 50, उसमें सेव करके फिर से अगर मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से पूरा का पूरा डिब्बा सा बन गया, क्योंकि पैड एक्स तो मैंने दिया ही दिया, उसी के साथ साथ मैंने पैड वाई भी दिया कि वाई एक्सिस में इतना फैलना चाहिए। तो पैड एक्स और पैड वाई से क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली जो हमारा जो भी हमने एलिमेंट अपना लेवल है वो फैल जाएगा, इस तरह से हमारा जो होता है। अब इसमें बहुत सी कंफ्यूजन आती है कि अब पैक करते टाइम पे भी आप पैड एक्स और पैड वाई देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता पैड वाई इक्वल टू 50, तो मैं इसे पैक करते टाइम पे पैड वाई दे रहा हूँ बाय द वे। तो जब मैं इसे सेव करूँगा अब, और इसे मैं फिर से रन करूँगा यहाँ से, तो आप देखेंगे क्या होगा, ये नीचे आ चुका है। होता क्या है कि जब हम देते हैं लेवल विजेट के अंदर जब एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं पैड एक्स या पैड वाई, तब ये फैलता है, और उसके साथ जब हम पैक करते हैं तब पैड एक्स और पैड वाई करेंगे तब इसकी पोजीशन चेंज होगी। अब मैंने कह दिया कि वाई एक्सिस में 50 पोजीशन आगे चला जाओ, तो वाई एक्सिस में यहाँ को नीचे को थोड़ा सा आ गया। तो बेसिकली पैड और एक्स और पैड वाई का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसमें टेक्स्ट में कुछ छोड़ दे दूँ, जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे दिस इज़ माई लेवल, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, दिस इज़ माई लेवल लिख दूँ यहाँ पे, दिस इज़ माई लेवल, तो आप देखेंगे मैं सेव करूँगा, अगर मैं इसे फिर से अगर रन करूँगा यहाँ से, ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा दिस इज़ माई लेवल। मतलब इससे आप ऐसा एक वो बना सकते हैं कि जिससे यूज़र इंटरेक्ट, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये एक नॉन इंटरेक्टेबल, क्या है हमारे पास, ये एक नॉन इंटरेक्टेबल विजेट है जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो हमने इसमें क्या क्या समझा कि कैसे हम एक लेवल विजेट लगाएंगे, हमने सिंपल इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और तब तक ये अप्लाई नहीं होगा जब तक हम इसे पैक नहीं करेंगे या प्लेस नहीं करेंगे या किसी भी पैकिंग फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमने लेवल विजेट के बारे में समझा, बिल्कुल मैंने आपको सिंपल समझाया कि लेवल विजेट क्या है, कैसे हम कोई भी लेवल लगा सकते हैं टेक्स्ट वाला,
और उसी के साथ साथ इसका बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर कैसे सेट करना है, और पैड एक्स पैड वाई क्या होता है, पैड एक्स पैड वाई का जो एट्रीब्यूट है वो लेवल के अंदर क्या है, और पैक करते टाइम पे इसके एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, इन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस समझाया। आने वाली वीडियोज़ में आपको और भी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, और भी कई चीज़ें आपको बताऊँगा मैं साथ साथ में कवर करूँगा। उसके साथ मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे हम एक लेवल विजेट का इस्तेमाल करके एक इमेज को जो है वो अपने जीओ विंडो के ऊपर लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद आप इस प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर लीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।